हेलो फ्रेंड फ्रेंड जो आपको ये व्यू दिख रहा है ये आरंबुल बीच है और हम आरंबुल बीच पहुंच चुके हैं। और फ्रेंड बीच से पहले फ्रेंड है आरंबुल बीच में कुछ गार्डन बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है। तो फ्रेंड इसके पहले चलिए फ्रेंड मैं आपको कुछ यहाँ पे जो गार्डन है थोड़ा गार्डन का मैं टूर कराता हूँ और गार्डन के बारे में दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए अब हम गार्डन की तरफ चलेंगे और यहाँ पर आपको इन गार्डनों का थोड़ा सा हम व्यू दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने सुंदर गार्डन बने हुए हैं। और फ्रेंड जो सामने आपको दिखेगा फ्रेंड वो बीच है उधर सीधा। तो फ्रेंड अभी हम गार्डन की तरफ चलेंगे और गार्डन के बाद फ्रेंड हम बीच की तरफ आएंगे। ओके फ्रेंड, फ्रेंड जो आपको इस सामने से दिख रहा है फ्रेंड ये इसके आगे फ्रेंड जो है बीच बना हुआ है, बीच है उधर। ओके फ्रेंड अब हम गार्डन की तरफ चल रहे हैं। इस टाइम फ्रेंड देखिए कितना नाइस और ब्यूटीफुल गार्डन बना हुआ है। एक ठीक जो रोड है रोड से एकदम सटा हुआ ही बीच है और उसके बगल में एक गार्डन बना हुआ है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी मैं गार्डन के अंदर जा रहा हूँ और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। आप फ्रेंड ये जो आपको प्लांट दिख रहे हैं ये डेकोरेटिव प्लांट इसको बोलते हैं जो ये गार्डन की थोड़ा शोभा को बढ़ाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर कई प्रकार के फ्लावर्स और शो प्लांट लगे हुए हैं और जो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड ये जो है वे है रास्ता है जो गार्डन की तरफ जाता है, आई होप आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और फ्रेंड इसका व्यू बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड आरंबुल बीच आने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हमने मोरजिम बीच आए थे। मोरजिम बीच से होकर उसके बाद हम आरंबुल बीच आए हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कि कितना नाइस गार्डन बना हुआ है और इतना ब्यूटीफुल गार्डन है फ्रेंड, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और फ्रेंड इसके ठीक ऊपर ही आपको माउंटेन भी दिखेगा, पहाड़ है, पहाड़ भी है। और फ्रेंड कितना इतना सुंदर फ्लावर भी है फ्रेंड, नाइस फ्लावर भी है यहाँ पर। और इसके बाद फ्रेंड आपको तो पता है फ्रेंड गोवा में कोकोनट ट्रीज़ बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा। और फ्रेंड इसको डिज़ाइन बहुत ही अजीब तरीके से किया गया है जो आपको मतलब देखने में अच्छा लगेगा। और फ्रेंड आप अगर कभी भी चाहते हैं कि आप आरंबुल बीच आएँ घूमना चाहते हैं तो फिर आ सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र या यूपी से आना चाहते हैं तो फ्रेंड आप कोई भी ट्रेन पकड़िएगा तो फ्रेंड आपको थीम उतरना पड़ेगा। ओके, थीम से जो आरंबुल बीच है और मोरजिम बीच है फ्रेंड 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो फ्रेंड ये जो पड़ता है नॉर्थ गोवा में पड़ता है। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड ढेर सारे मतलब बहुत ही सुंदर यहाँ से बनाओ, मैं उधर जा रहा हूँ वीडियो बनाऊँ किनारे हैं। ऐसा हर किसी बीच पर सुविधा अवेलेबल नहीं जहाँ पे गार्डन बना हो, बट इस बीच पर अभी गार्डन का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड, फ्रेंड यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था किया गया है जो भी टूरिस्ट आए घूमने के लिए उनके बैठने के लिए प्लेस है, स्थान है जहाँ पर आप थोड़ा बैठकर रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और फ्रेंड देखिए ये बहुत ही डिजाइन तरीके से और बहुत ही सुंदर बनाया गया है और ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बनाया गया है जो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, बहुत ही सुंदर है। और फ्रेंड ये रास्ता है जो हमें और हम के गार्डन के अंदर ले जाता है और एक छोटा सा बीच बना हुआ है जो इसके बीचों से पानी उनी वगैरह आता जाता है, बहता है। ओके, और फ्रेंड अब हम चलेंगे, हम थोड़े से और अंदर जा रहे हैं हम गार्डन के अंदर। फ्रेंड यहाँ के और कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको। फ्रेंड देखिए ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही नाइस। मेरा नाम दीपक कुमार है फ्रेंड, बेसिकली मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है फ्रेंड, बेसिकली हम इस टाइम गोवा में हैं और गोवा के एक आरंबुल सिटी में है। और आरंबुल के अभी एक हम पार्क में आए हैं जो बीच की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड अभी हम आपको थोड़ा सा आपको इसका नज़ारा दिखाएंगे आरंबुल बीच का और पार्क का। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही नाइस पार्क है यहाँ पे और बीच भी बहुत सुंदर है। आरंबुल बीच बहुत ही फेमस है और ये जो मोरजिम बीच है, मोरजिम बीच से करीब 9 किलोमीटर दूरी पड़ता है।
और जो हमारे नए फ्रेंड आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जो बाई ट्रेन आते हैं, बाई फ्लाइट आते हैं, बहुत ही दिन से उनको करीब 30 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा, और जो फ्लाइट से आते हैं उनको एयरपोर्ट से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा। फ्रेंड, जो आरामबुल बीच है ये बहुत ही फेमस ही है, और बेसिकली क्या है कि रशियन के लिए बहुत फेमस है। और अभी जहाँ पे हम ये खड़े हुए हैं ये आरामबुल पार्क है, ये सब जितने भी हैं आरामबुल पार्क है, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही नाइस दिख रहा है, और मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये पार्क। और तो फ्रेंड, आज हम आपको इस पार्क के बारे में बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। जो यहाँ का पार्क है बहुत ही नाइस है, बहुत ही सुंदर है, और ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, और कई प्रकार के काइंड ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स हैं, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत नाइस है। तो फ्रेंड, चलिए हम आपको इस पार्क का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। और हाँ फ्रेंड, हमारे इस चैनल को प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको हमें कमेंट करिए, जो आपको कोई भी वीडियो चाहिए, नई वीडियो चाहिए, उसके लिए हमें कमेंट करिए प्लीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड देखिए, फ्रेंड यहाँ पे चारों तरफ आपको कई भी फ्रेंड यहाँ पे आपको ग्रीनेस दिखेगी, और बहुत ही सुंदर प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और कई प्रकार के जो इस गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, कई प्रकार की प्लांट हैं और ट्रीज हैं, और उसके बाद फ्रेंड फ्लावर्स भी फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे इस गार्डन में, और फ्रेंड और छोटे छोटे घास भी हैं, जो फ्रेंड इस गार्डन को बहुत ही शोभित बना रहे हैं। और फ्रेंड आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड कितना सुंदर व्यू है इसका, कितना नाइस व्यू है, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड आई होप फ्रेंड कि आप कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले या छुट्टियों के टाइम मिले, आप फ्रेंड एक बार यहाँ पर टूर करने की जरूर कोशिश करें। ओके फ्रेंड, ओके। तो फ्रेंड नाइस, अभी हमने आपको कुछ इस पार्क का हमने लोकेशन आपको दिखाया, जो आपको बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ के प्लांट्स जो भी हैं। तो फ्रेंड चलिए हम आपको आगे चलते हैं और यहाँ कुछ नज़ारे दिखाते हैं। तो फ्रेंड आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड देखिए, दिस इज़ वेरी नाइस और डिजाइन प्लांट्स है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं आई थिंक नुकीले हैं, जैसे निडल होती है, निडल की जैसे इसके पत्ते हैं। तो फ्रेंड आइए हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड दिस इज़ द नाइस वे इन आरामबुल पार्क, जो है बहुत ही फेमस है। आई थिंक दिस इज ब्लैकबेरी, ये जामुन का ट्रीज है, जो मैक्सिमम गांव में पाया जाता है, बट ये आरामबुल के बीच पर भी पाया गया है, और ये नाइस ट्री है, बहुत ही सुंदर है, और इसका फल खाने में बहुत ही मीठा होता है। दिस इज द अमेजिंग प्लेस, आई थिंक दिस ये बहुत ही नाइस प्लेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और मौसम थोड़ी सी आज धूप है यहाँ पर, और रेनी सीजन भी है, तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। डेकोरेटिव प्लांट, इसको बोलते हैं डेकोरेटिव प्लांट, जो मोस्टली ये गार्डन में पाया जाता है, और यहाँ पे भी ये पाया जा रहा है। और ये इसके जो पत्ते होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और ये बहुत ही नाइस प्लांट है, और इसका जो शो है, लुक है, बहुत ही नाइस है, दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। और फिर हम आपको आगे भी चलते हैं, दूसरे की तरफ चलते हैं नाइस। सो फ्रेंड अभी हम फूलों के बगीचों से निकलकर, छोटे प्लांट्स से निकलकर हमारे बड़े बड़े ट्रीज के बीच में आ रहे हैं, अब जंगल की तरफ हम चल रहे हैं। तो आइए हम आपको जंगल में दिखाते हैं क्या पाया जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये जो ट्रीज है, ये आंवले का पेड़ है, औरा का इसको बोलते हैं प्री लैंग्वेज में, और इसका फल खाने में थोड़ा सा खट्टा जैसा आता है, और बहुत ही अच्छा ये ट्रीज है। ये जो है आरामबुल बीच का जंगल है, फॉरेस्ट है, स्मॉल फॉरेस्ट इसको बोल सकते हैं, जो यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीज दिखते हैं, बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा ये चीज़ देखने में। और फ्रेंड आपको अगर कुछ और जानना है, कुछ और बातें करनी है, मुझसे कमेंट करके बताइए।
अभी हम एक जंगल में आ चुके हैं और ये जंगल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट ये डेंजर भी हो सकता है। और इसके ट्रीज आप देखिए कितने अच्छे हैं, कितनी सुंदर है, कितनी नाइस है। और ये जो आपको फॉरेस्ट दिख रहा है ये सेम बीच के किनारे ही है इसके हुआ है। तो फ्रेंड कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपको आरंबुल बीच भी आना है और यहाँ पे घूमना है और यहाँ पर इंजॉय करना है, तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपका हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जो होटल मिलता है होटल प्राइस आपको सस्ते में मिल जाएगा हमारी तरफ से। और जो भी आपको होटल मिलेगा रूम रहने के लिए मिलेगा वो बेसिकली जो है कि बीच के सामने ही मिलेगा आपको, जिस होटल का नाम है मंथर होटल नाम है। और वहाँ पे आपको चीप सस्ते आपको रूम से मिल जाएंगे वन नाइट स्टे करने के लिए। सो फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमको भी टूर करना है, आपको अगर कुछ गाइड चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। और आप ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड। जो आपको फ्रेंड सामने वो बिल्डिंग दिख रही है फ्रेंड, उसके बगल में रास्ता है जो सीधा हाईवे से रोड से मिला हुआ है। रोड से ये सीधा जो आपको लाइनिंग दिख रही है वो आने का रास्ता है जो गार्डन की तरफ और बीच की तरफ आता जाता है। तो फ्रेंड अब हम गार्डन से निकल कर अब हम बीच की तरफ चल रहे हैं। अब फ्रेंड हम आपको थोड़ा सा आरंबुल के बीच की दर्शन कराएंगे और यहाँ के हम नज़ाराओं को दर्शन कराएंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी हम चल रहे हैं बीच की तरफ। फ्रेंड बीच से पहले फ्रेंड हमको एक ब्रिज मिलेगा जो उस ब्रिज को हमको क्रॉस करना है। और फ्रेंड ये ब्रिज भी बहुत ही नाइस बहुत पीछे देखो बना हुआ है, जो लोहे का बना हुआ है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड। और ये छोटी सी दरिया है जो समुंदर से निकल कर आई हुई है, तो फ्रेंड इसकी वजह से ब्रिज को बनाया गया है। और फ्रेंड आप देख सकते हैं कि किस डिज़ाइन से इसको बनाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही नाइस लग रहा है। और फ्रेंड अभी हम आगे बढ़ते हैं और बीच की तरफ चलते हैं और हम आपको कुछ चीज़ों को दर्शन कराते हैं। ओके फ्रेंड, ये फ्रेंड उसका बैक हो गया पीछे का रोड की तरफ का है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी हम चलते हैं, अभी हम ब्रिज पर ही खड़े हुए हैं और चारों तरफ हम थोड़ा सा इसका सीन ले रहे हैं जो भी है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड यहाँ पर एंजॉय करते हुए। तो फ्रेंड आप भी आइए यहाँ पर, कभी भी एंजॉय करिए, नो डाउट आपको भी बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये जो है हम अब हम आरंबुल बीच की तरफ चल रहे हैं और हम बस ब्रिज को क्रॉस करने ही वाले हैं। तो फ्रेंड आप आई होप फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और ये फ्रेंड देखिए अब हम फ्रेंड अभी हम बीच पे पहुंच चुके हुए हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको कुछ बीच का नज़ारा दिखाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर बीच का माहौल कैसा है इस टाइम, क्योंकि बेसिकली फ्रेंड अभी जो सीज़न है रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, बरसात में वैसे ही समुद्र का पानी बढ़ जाता है। तो अभी आज तो बरसात नहीं हो रही है, आज तो रुक रही है बरसात। तो फ्रेंड चलिए हम आपको आरंबुल बीच की नज़ारा को दिखाएंगे, यहाँ पर कैसा माहौल इस टाइम, कैसा नहीं है और पानी कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है और यहाँ पर अभी गेस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए हम सब सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। और तो करिए, तो फ्रेंड्स चलिए लेट्स गो। फ्रेंड जो आपको ये दिख रहा है फ्रेंड हम बीच पर जा रहे हैं और जहाँ पे फ्रेंड अभी हम चल रहे हैं इसके अगल बगल रेत हैं, ये सारे रेत हैं, बालू इसको बोलते हैं। और फ्रेंड उसके बगल में फ्रेंड जो आपको दिख रहा है हरा हरा दिख रहा है, ये समुद्र